बच्चों, आज हम आपको ऐसे प्रश्न बता रहे हैं, प्रश्न का मतलब ऐसे बात सिखा रहे हैं जो कि तुम रोज बोलते हो अपने घर में। जैसे तुम्हारी मम्मी कहती है, लाओ बेटा तुम्हारे कपड़े धो दूं, तो आप कहेंगे नहीं मम्मी मैं खुद ही धोने में सक्षम हूं। या ये कहें कि लाओ, बच्चे से कहती है माताएं कि मैं तुम्हारे कपड़े पहना दूं, तो जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं नहीं मम्मी मैं खुद ही सक्षम हूँ, मैं खुद ही ऐसा काम कर सकता हूँ। तो इस तरीके के बात हमने यानी लिखे हैं, देखो ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है सबको। पहला लिखा है मैं जाने में सक्षम हूँ, मैं जाने में सक्षम हूँ। तो मेन अक्षर आ रहा है इसमें सक्षम, क्या आ रहा है सक्षम का मतलब है एबल टू, एबल टू इसका मतलब है सक्षम। समझ में आ रही है? तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, आई के साथ एम आएगा, बी यू जे के साथ क्या आएगा आर, आर आर मानी है, ही सी राम के साथ में आएगा इज, और सक्षम की इंग्लिश जोड़ देना है तुम्हें एबल टू। क्या जोड़ देना है? नहीं आई समझ में? अब पहला है देखो सेंटेंस, मैं जाने में सक्षम हूँ। तुम्हें एक याद करना है, जाने की इंग्लिश होती है गो, गो मानी जाना। तो कैसे बनेगा? मैं की अंग्रेजी होगी आई, आई एम, बोलो आई एम एबल टू गो, खाली गो लगाना है। क्या लगाना है? नहीं आई समझ में? आ गई सबके? अब यहाँ कह रहे हैं वह आने में सक्षम है। स्ट्रक्चर में देखो वह की अंग्रेजी होती है ही, तो बोलो भाई ही इज एबल टू कम, अब मानी नहीं आई समझ में? आ गई। अब अगला है तुम चलने में सक्षम हो। कहते नहीं बहुत से मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं चलने में सक्षम हूँ। तो यहाँ पे लिखा तुम चलने में, कैसे बनाएंगे तुम की अंग्रेजी यू, यू आर एबल टू, चलने की होती है वॉक, डब्ल्यू ए एल के, नहीं आई समझ में? आगे सबके? अगला मैं पढ़ने में सक्षम हूँ। बहुत सी किताब छीनते एक दूसरे बच्चे से, ला तू नहीं पढ़ पाएगा है? करते हैं तो कहते नहीं मैं खुद पढ़ लूंगा, मैं खुद पढ़ने में सक्षम हूँ। तो कैसे बनाएंगे? तो इसको हटा दे रहे हैं देखो, अब यहाँ पर देखो, पहले देखो मैं की इंग्लिश क्या है आई, आई एम एबल टू, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो क्या बनाएगा सेंटेंस आई एम एबल टू रीड। बोलो किसके समझ में आया? आ गया? इतने आसान है, खाली ये लाइन याद करना पड़ेगी। अब देखो मैं खाना बनाने में सक्षम हूँ। हमारी मम्मी कहे हैं तुम खाना नहीं बना पाती हो, दानी इधर देखिए तुम खाना नहीं बना पाती। तो काजल कह रही नहीं मम्मी मैं खाना बनाने में सक्षम हूँ, मैं दाल भी बना लेती हूँ, मैं चावल भी बना लेती हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ। तो कैसे बनेगा? मैं आई एम एबल टू फूड, बस यहाँ पर क्या जोड़ना है तुम्हें? आई एम एबल टू कुक द फूड, खाना बनाने में सक्षम। समझ में आया? अगला क्या है जरा पढ़ो, मैं गाना गाने में सक्षम हूँ। कहते हैं कि उसे हर हट तुम गाने गाना नहीं गा पाओगे, तो वो कह रहे हैं सामने वाला नहीं मैं गाना गाने में मैं गा सकता हूँ। तो कैसे करेंगे? मैं की इंग्लिश आई एम एबल टू सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाने में, समझ में आ गया? अच्छा फिर अगला
राम क्रिकेट खेले में सक्षम है। और से कहते हैं अरे हटो तुम नहीं खेल पाओगे मैं खेलूंगा, तो क्या बोलेंगे? यहाँ लाएंगे राम, देखो राम इज एबल टू प्ले, प्ले मानी खेलना, प्ले द क्रिकेट। बस क्रिकेट लगा दो यहाँ पर, समझ में आ गया सबके? अगला बोलो, हम हम की इंग्लिश डी आर बोलो एबल टू प्ले, बस क्या लगाना है? बी आर एबल टू प्ले, नहीं आई समझ में? अगला बोलो, हम बोलने में सक्षम है, बोलने की इंग्लिश लिखी हुई है, बताइए क्या? स्पीक, क्या बोलेंगे? हम बी आर एबल टू स्पीक, स्पीक मानी बोलना, हम बोलने में सक्षम है। अगला बे, बे सोने में सक्षम है, तो बे की इंग्लिश क्या है? दे, दे आर एबल टू, सोने की इंग्लिश क्या है? स्लीप, खाली यहाँ पर लगाना स्लीप, क्या लगाना है? स्लीप, नॉट स्लीपिंग, दे आर एबल टू स्लीप, दे सोने में सक्षम। मैं नाचने में सक्षम हूँ, बोलो आई एम एबल टू डांस, क्या लगाना खाली? बोलो किस किस के समझ में आ गए? ये सबके समझ में आ गए? थैंक यू वेरी मच।